नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद और हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं। सुनील, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि शेयर बाजार एक कारोबार है, इसे जुए की तरह नहीं समझे। इस कारोबार के अपने फायदे हैं, इन्हें आप बता भी चुके हो, लेकिन सिर्फ इस कारोबार को ही क्यों चूज किया जाए? कारोबार कई तरह के होते हैं, लेकिन शेयर बाजार को एज अ बिजनेस चूज करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस होने चाहिए? देखिए, इंपॉर्टेंट रीजंस उसके सामने बहुत हैं। व्यापार जब भी हम कोई चूज करते हैं तो उसमें हमारा कंफर्ट होना जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो उनके फादर कर रहे हैं, वो वही काम करते हैं। इस व्यापार के काफ़ी ऐसे फ़ायदे हैं जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं उनमें नहीं होते। अगर हम इसको समझ पाते हैं, हमें इसकी जानकारी हो जाती है, तो इस व्यापार में इतने फ़ायदे हैं जो बाकी किसी दूसरे बिजनेसेस में हमें नहीं देखने में मिलते हैं। जैसे आप दुनिया का कोई भी काम, कोई भी धंधा इस तरह का नहीं है जिसमें उधार ना दिया जाता हो, ना लिया जाता हो। सिर्फ अकेला यही एक काम है, नो क्रेडिट। लेना कैश का, देना कैश का, इधर भी कैश उधर भी कैश। दुनिया का एक बिजनेस नहीं है ऐसा जिसमें दोनों तरफ कैश हो, आगे भी कैश पीछे भी कैश। चाहे रिटेल सेल कहा जाए, वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उधारी देनी पड़ जाती है। इस बिजनेस में आपने अगर कोई सौदा ले लिया तो आपको 3 दिन बाद पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, और बेच दिया तो 3 दिन बाद पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल 100% कैश का काम है, कहीं कोई उधार नहीं है। आपको नहीं पता है कि हमारा कोई पैसा मार लेगा, कोई ले जाएगा, इस बिजनेस में वो टेंशन नहीं है। राइट, 100% ट्रांसपेरेंसी है इस बिजनेस में। दुनिया का एक बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हो। आपके सामने दोनों रेट आ रहे हैं, बायर भी सामने खड़ा है, सेलर भी सामने खड़ा है। जो रेट मुझे दिखाई दे रहा है वही रेट मॉरिशस में बैठे किसी एफआईएस को दिखाई दे रहा है, वही चेन्नई में कोई आदमी बैठा उसको दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं छोटा आदमी हूं तो मुझे थोड़ा सा माल फालतू रेट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कोई ट्रेड सीक्रेसी नहीं है। ट्रेड सीक्रेसी नहीं है, सब कुछ खुला है सबके सामने, हर चीज सामने है बिल्कुल। आपके आपका मन है आप उसमें ले लीजिए, आपका मन नहीं है छोड़ दीजिए, रेट यही है। राइट, तीसरी चीज, बल्क डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। आप एक शेयर लेंगे, 1 लाख शेयर लेंगे, 1 करोड़ शेयर लेंगे, एक ही रेट है। यानी ऐसा नहीं कह सकता। दुनिया का एक बिजनेस नहीं दिखा सकते आप मुझे। आप चेयर लेने जाते हैं, आप कहते हैं मैं 1 लूंगा आपका रेट अलग, आप लेते हैं 1000 लूंगा आपका रेट अलग। इसके अलावा एक फायदा इसका यह है कि आप किसी भी समय अपने बिजनेस में से एग्जिट हो सकते हैं। एक बिजनेस बता दीजिए आप मुझे, आज मेरा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 2000 लोग काम करता है, 1000 लोग काम करता है, 200 लोग काम करता है, मैं आज सोचता हूँ उसको छोड़ने का, अपना बिजनेस को, मेरा मन में आ गया मुझे इसमें बाहर निकलना है, कितना समय लगेगा मुझे उसे छोड़ने में? समय भी लगेगा, सालों लग जाएंगे, समय भी लगेगा और पॉकेट से बहुत पैसा भी जाएगा, पैसा भी जाएगा करने के लिए। वो पॉइंट भी है, समय कितना लगेगा उसको छोड़ने में, मुझे दुनिया से पैसा लेना भी है, माल भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पे, क्या है? रात को 10:30 बजे आपने सोच लिया कि मुझे एग्जिट करना है, सुबह 9:15 आप मार्केट से बाहर, बिल्कुल सारा पैसा घर में, और आप सॉल्यूशन एक्सपेंस, कोई एग्जिट के लिए आपको टाइम नहीं देना। एग्जिट कॉस्ट, जैसे आपने अभी बोला, दुनिया के किसी बिजनेस में अगर आप निकलना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में आप निकलना चाहते हैं, आपको कितना बड़ा कॉस्ट देना पड़ता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है उसका 50% भी हाथ में नहीं आता, 40% भी हाथ में नहीं आता। शायद आपके साथ कोई पार्टनरशिप में भी है, उसके साथ भी सेटलमेंट करनी होगी, सब कुछ करना होगा, बायर सेल ऑफ करना, बायर से पैसा नहीं आ पाएगा, आपके पास जो माल पड़ा है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो डेड हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेड हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है अपने बिजनेस से बाहर निकलने का, एग्जिट कॉस्ट है ही नहीं। जो मार्केट में रेट आ रहा है, सेल का सौदा दबाइए, आपका मल गया, मतलब एक क्लिक में आप उस बिजनेस से बाहर। बिल्कुल, और भी बहुत फायदे हैं इस बिजनेस के। आप अपने काम को छोड़ के, आज आपका कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका शॉप है, आपका फैक्ट्री है, आज आप सोचिए एक बिजनेसमैन अगर अपने काम को छोड़ के 3 महीने के लिए छुट्टी मनाने जाना चाहता है मॉरिशस अपने बच्चों के साथ, वापस आएगा, उसके हाल क्या मिलेगा बिजनेस का, क्या वो होगा बिजनेस वहां पे? पहले तो वो 3 महीने तक बिना टच में रह नहीं पाएगा, जा नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, आपने आज सोच लिया कि मुझे 3 महीने काम छोड़ना है, मुझे मतलब जाना है छुट्टी पे, सारे सौदे काटिए, लैपटॉप कीजिए बंद और चले जाइए, 3 महीने बाद जब आएंगे लैपटॉप खोलेंगे फिर दुकान शुरू, कोई छुट्टी लेने ऐसे नहीं पड़ेगी, ऐसे मिलेगा ये मार्केट फला फूला, जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे मिलेगा, अच्छा मिलेगा पहले से। कोई आपके बिजनेस, अगर ये बिजनेस है, इस पे इंपैक्ट नहीं करेगी आपकी एब्सेंस, आप यहाँ नहीं है तो बंद हो जाएगा। फिजिकली आपको यानी प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आप फिजिक प्रेजेंट हो। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने से आप कर सकते हैं, आप हांगकांग के किसी होटल के टॉयलेट में बैठ के भी काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए जी, आप वहां पे बैठ के भी ये काम कर सकते हैं।
आपके पास एक लैपटॉप, एक इंटरनेट होना चाहिए, दुनिया का कोई भी कोना, आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, आपके हाथ में फोन है, आप कर सकते हैं कहीं से भी अपने बिजनेस को आप हैंडल करना चाहें। आप छुट्टियां मना रहे हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं शादी पे गए हैं, आपके पास अपना सिस्टम है, आप वहीं से बैठ के सौदा ले सकते हैं, सौदा बेच सकते हैं। एक काम आप मुझे दुनिया का बता दीजिए जिसने ऐसा, कोई आपका काम इफेक्ट ही नहीं होगा कि आपकी लोकेशन बदलती है तो। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है आपको, कोई लेबर लॉज नहीं है आपके ऊपर, कोई दूसरे लॉज नहीं है, कोई ESIPF कुछ नहीं, सिर्फ आपको STT चुका देते हैं, अब आपका खत्म, आप बाद में आपको इनकम टैक्स देना है, दैट्स इट। कोई गवर्नमेंट आपके पास पूछने नहीं आएगी क्या कर रहे हैं, ये क्यों लगा लिया आपने, वो क्यों लगा लिया आपने, कुछ नहीं, कुछ नहीं है आपको। एक्सपेंशन कॉस्ट नहीं है। आज मेरे पास में 200 एम्प्लॉय काम करता है, मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, 4 करोड़ का टर्नओवर है, मैं चाहता हूँ इसको 20 करोड़ करना, कितना एक्सपेंशन कॉस्ट लगेगा मुझे, कितना एम्प्लॉय बढ़ाना पड़ेगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कितनी जमीन चाहिए होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन कॉस्ट कुछ है ही नहीं। आपने आज आप 1 करोड़ का काम कर रहे हैं, आज आप 5 लाख का काम कर रहे हैं, आप कल सोचते हैं मुझे 1 करोड़ का काम करना है, सिर्फ आइए 0 लगा दीजिए, जो शेयर जो 100 ले रहे हैं 1000 लेना शुरू कर दीजिए, 1000 ले रहे हैं 1 लाख लेना शुरू, पूरी कैपिटल आपकी यूज हो सकती है, पूरी कैपिटल उसी बिजनेस में उसी लैपटॉप पे बैठ के आप अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी एनालिसिस भी वही रहेगी, आपका रिसर्च भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ 0 लगाना रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी आपको क्वांटिटी बढ़ानी है आपको। और यही एक्सपेंशन अगर हम किसी और बिजनेस में सोचते हैं करने की, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। जितने मर्जी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, 20,000 रुपए भी हैं आपके पास, आप आ जाइए आप काम कर लीजिए, 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा नहीं हो कि आपको कैपिटल रिक्वायर्ड पहले ना पता हो कि हाँ मुझे इतनी कैपिटल नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आज मैं ऑयल का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मेरा 20,000 में लग जाएगा, नहीं लगेगा, ये काम हो जाएगा। तो इस बिजनेस में आप देखिए आप इंडायरेक्टली कितने फायदे हैं, हाफ डे वर्किंग, 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगा आपका, right. किसी बिजनेस में होता है नहीं होता, किसी जॉब में भी नहीं होता, 5 दिन का कन्विंसिंग बिजनेस है, 5 दिन का वर्किंग आवर्स है, राइट, 5 दिन आपको काम करना है, बीच में छुट्टी जो सरकारी छुट्टी होगी सब मिलेंगी आपको, कैसा धंधा है आप सोचिए। सिर्फ प्रॉब्लम करना नहीं आता, अगर करना आ जाए तो आप सोचिए, आपके सामने कोई आदमी अगर सारा दिन बैठा रहेगा, आपने अपने लैपटॉप पे बैठ के क्या कमाया वो जज नहीं कर सकता, सिर्फ यही धंधा ऐसा जहां हो सकता है। आपका कोई रिलेटिव, कोई जानकार, कोई दोस्त आपका पैसा इनकम जज नहीं कर सकता कि आप क्या कमा रहे हैं, राइट, आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, माल आ रहा है, वो देखेगा बहुत काम है यहाँ, इनके पास तो बहुत पैसा कमा रहा होगा, यहाँ पे उसको पता ही नहीं चलेगा, आप चाहे 5 लाख, खुद नहीं पता चल पाता कि उसका नेट लॉस में है या गेन में है, उसे एटलीस्ट 1 महीना या क्वार्टर तक तो रुकना ही पड़ेगा, अपने एस्टिमेट्स लगाने के लिए। दूसरा आदमी आपकी इनकम को जज ही नहीं कर पाएगा कभी भी। इस बिजनेस में इतने सारे इनडायरेक्टली फायदे हैं जो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनमेच्योरनेस है हमारे इंडिया में, अभी बहुत इनमेच्योर हैं लोग, उन्हें मालूम नहीं है कि इसको लेना कैसे है, इसको समझना कैसे है। आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी, आपको मालूम करना होगा आप किस तरह के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्या हैं आप, राइट। अगर आपको वो चीज़ हो जाती है क्लियर, तो इससे बढ़िया मेरे ख्याल में कोई दुनिया में बिजनेस नहीं है जी। यानी स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसे बिजनेस की सिर्फ इसी को क्यों बिजनेस लिया जाए, दूसरे भी तो और बिजनेस है, इसके क्या एडवांटेजेस है, बहुत वंडरफुली यू एक्सप्लेन अस। इनफैक्ट ये तमाम सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं जो शायद अब इस वक्त मैं बहुत कन्विंस हो गई, तो आई एम सो श्योर कि व्यूअर्स को भी लग रहा होगा कि ये बातों पर पहले क्यों नहीं गया, बस इसे करना आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्लॉज है, और यही तो लगातार कोशिश रह रही है कि इसे करा कैसे जाए ताकि हमेशा हमारी जेब मुनाफे से भरी रहे, यही कोशिश है। और लगातार सुनील हमारे साथ शो में बने हुए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और साथ ही व्यूवर्स से भी बात करेंगे, यानी आज के व्यूवर्स से भी जानेंगे कि क्या है उनका आज का सवाल। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं में जाएगा अब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, और बात यहाँ ये हो रही है कि स्टॉक मार्केट को क्या एडवांटेजेस होंगे अगर एज अ बिजनेस लिया जाए। तो सुनील, स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लिया जाए, अब इसमें कई तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि हमने जब पहले आपसे बात की थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुझे आप बहुत फेवरेबल नहीं लगे।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है हम लोग एक्चुअली, लेकिन होता क्या है कि जितने भी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है या जितने भी व्यूअर्स हैं आपके देखने वाले, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल समझ नहीं है. हमारा कहना यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो फैसला आपके चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं. राइट. जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी ट्रेडर हैं, उनका ये फैसला चुनाव से नहीं होता है, दबाव से होता है. वो लेते हैं और फंस जाते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं. बहुत बड़ा फर्क है ये चुनाव और दबाव में. फिर उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस तरह के स्टॉक चुनने हैं. जैसे मैंने शायद पहले भी एक बार कहा है कि आज से 20 साल पहले अगर आप याद करेंगे तो आज की डेट में कोई कंपनी ऐसा नहीं याद आएंगी आपको जो आज भी चल रही है, सिर्फ आप उंगली पे गिन सकते हैं. इसका मतलब जब आप इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 10 साल 5 साल, तो आपको चुनाव जो है कंपनियों का वो बड़ा ही अलग तरीके से करना पड़ता है कि हाँ एक ये कंपनी मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम एक बात कर रहे हैं. अब वो एक हिंदुस्तान के अंदर हमारे इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री का 25% सिर्फ अकेला होल्ड करता है. उस बैंक की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो. उस बैंक की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड पे है कि जब तक हमारा इंडिया जिएगा, जब तक हम आगे काम करेंगे, वो बैंक रहेगा. यानी टू मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आप एक स्टॉक, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर चुके हो कि अगर एक स्टॉक आप खरीदते हो और आपके लेवल से नीचे चला जाता जा रहा है और उस वजह से मजबूरी से आपको उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना होता है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कह रहे हैं हम. उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहे. और वो उस टाइप का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा ही नहीं उठा पाता, क्योंकि उसने वो जो हुआ है उसके साथ वो बाय फोर्स हो गया. यानी अगर एक व्यूअर है, अगर एक इन्वेस्टर है, वो ये सोचता है कि मैं SBI खरीदता हूँ या मैं इन्फोसिस खरीदता हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर वो रिलायंस इंडस्ट्री आज खरीदने का फैसला करता है लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, तो वो ये भूल जाए कि D6 की प्रोडक्शन गिरती जा रही है, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. 3 महीना, 6 महीना, साल महीना, साल, 2 साल या 3 साल, वो अपना लेवल और अपना माइंडसेट 3 साल के बाद का ही रखे. बिल्कुल, मैं आपको यही आपको जो है यही बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, अगर मान लीजिए 2500 का स्टेट बैंक है, वो नीचे आ गया, बाय फोर्स अगर कोई लॉन्ग टर्म बन गया स्टेट बैंक में, तो उसका इंतजार सिर्फ 2500 तक रहेगा कि मेरा जिस दिन रेट आएगा ना, मैं उस दिन निकल जाऊंगा. और 2500 के बाद अगर 2500 के बाद बना, हाँ, 2500 के बाद वो स्टॉक चाहे 10000 का हो जाए, उसको कुछ मिला तो नहीं. राइट. लेकिन अगर आपका अप्रोच ये है कि नहीं, 2500 से अगर 1600 आ गया तो भी मैं रखूंगा, 1000 आ गया तो भी मैं रखूंगा, और 5000 जाएगा तो भी मैं रखूंगा, और मैं 5 साल तक इसको वेट करूंगा जब तक मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं आता इसमें जो मैंने सोच रखा है. राइट. तो आपका हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाय चॉइस बने हैं तो आप इन चीजों को नहीं देखेंगे मूवमेंट को, लेकिन अगर आप बाय फोर्स बने हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा, आपका रेट आते हैं आप एग्जिट कर जाएंगे और वो स्टॉक वहां से ऊपर जा रहा होगा. यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, बहुत बार सुनते हैं, लेकिन स्पेसिफिक और क्लियर डेफिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की है कि ऐसा स्टॉक जिसे आप खुद चूज करते हैं, दबाव में या मजबूरी में नहीं रख रहे हैं. बिल्कुल. और भी बहुत सारे सवाल हमारे साथ हमारे व्यूवर्स के हैं. एक व्यूवर है जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा है. हमारे साथ उपकार शर्मा है फोन लाइन पर अलीगढ़ से. जी उपकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार शास्त्र में, पूछे अपना सवाल. मैम मेरी एक क्वेरी है स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग. जी मैं वैसे ट्रेडिंग करता हूँ. और सभी एक्सपर्ट बताते हैं कि स्टॉप लॉस के लिए आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए कि उसको सही या सही समय पे लगाना है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सही स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपकार अपना सवाल पूछने के लिए. बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट स्टॉप लॉस. कई बार हमें एक्सपर्ट्स भी बता रहे होते हैं टीवी पे कि स्टॉप लॉस आप लगाइए, इस लेवल से इतना परसेंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए. एक्चुअली पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है. हम मान गए कि लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है, कैसे डिसाइड करें? देखिए, मैं इसको आपको चार्ट पे समझाना चाहता हूँ. अब देखिए, ये चार्ट है एक. इस चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस स्टॉक के अंदर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें कई एरिए ऐसे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जहाँ पे इस तरह की करेक्शंस आएंगी आपकी बीच बीच में. लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी करेक्शन अपने पिछले वाले लो को, जो उसने लो क्रिएट किया है, उसको काट नहीं पा रही है, क्योंकि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है. जी. तो स्टॉप लॉस का एरिया आपका वो होना चाहिए जहाँ से वो स्टॉक नीचे गिरेगा तो आपको ऐसा मालूम चल जाएगा कि इसका साइकिल बदल चुका है. कई बार हम सुनते हैं इस तरह के अधूरे टाइप के एक्सपर्ट हैं जो बोलते हैं कि 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए. उन लोगों को एक्चुअली पूरी समझ नहीं है. यानी अगर आपकी 500 रुपये की बाय प्राइस है किसी स्टॉक की, उसका 1% नीचे लगा लीजिए, यानी 5 रुपये नीचे. लेकिन आप बताइए, 1% का स्टॉप लॉस, इसका मतलब आपका रिस्क एपेटाइट अगर 5 रुपये का है तो उस स्टॉक का स्टॉप लॉस जो है अब मतलब 5 रुपये नीचे हो जाना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं होता. 5 रुपये नीचे, 2 रुपये नीचे, 1%, 2%, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले?
लेट द स्टॉक डिसाइड कि उसका स्टॉप लॉस क्या है. भाव भगवान छे, भाव भगवान, भाव को बोलने दीजिए. ये भाव यहाँ बोल रहा है कि मैं, ये मेरा एक लो बना हुआ है, मैं इस लो के नीचे नहीं जाऊंगा. अगर आपने यहाँ पे लिया है तो भी आपका ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लिया है तो भी ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लिया है तो भी ये स्टॉप लॉस है. चाहे 2% पे हो, चाहे 10% पे हो, चाहे 15% पे हो, अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस बड़ा है और मैं नहीं ले सकता, ट्रेड मत कीजिए. आपके लिए स्टॉप लॉस ऊपर नहीं आएगा. आपने कि जो लेवल बोला कि आपकी बाय प्राइस यहाँ है और अगर आपका पिछला लेवल ये है, ये पिछला लेवल जो आप बार बार बता रहे हैं वो उसका सपोर्ट है, उसका सपोर्ट एरिया जहाँ उसने लो क्रिएट किया है. हमने पहले भी बात किया है, जब भी स्टॉक चलता है हायर लोज बनाता हुआ चलता है, हायर हाइज बनाता है. अब ये देखिए स्टॉक को, यहाँ से चला, पहले एक ये लो क्रिएट किया, फिर ये यहाँ आया, फिर एक ये लो क्रिएट किया, फिर यहाँ आया, फिर ये लो क्रिएट किया, फिर यहाँ आया. हर बार वो ऊपर जा रहा है, नया हाई बनाता जा रहा है, नया लो क्रिएट करता जा रहा है हायर साइड पे. तो जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं हमें ये मालूम है कि अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसका पहला सिग्नल ये है कि अपना पुराना वाला लो इसको काटना नहीं चाहिए. राइट. बाकी भी बहुत चीज़ें हैं लेकिन एक ये हम लेते हैं व्यू कि हम उसको पहला वाला लो जो बना रखा है उसको काटना नहीं चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस वही एरिया रहेगा. अब हमारे लेने का प्राइस अगर उस एरिया के दूर है तो वो हमारी इच्छा है कि हम लें या ना लें, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे लिए ऊपर नहीं आएगा. स्टॉप लॉस वही है जो एरिया वही रहेगा. इसलिए हमारा कहना ये रहता है कि स्टॉप लॉस कभी भी परसेंटेज का नहीं होता है, वो हमेशा एक एरिया का होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस उस स्टॉक को काटनी नहीं चाहिए अगर वो इसी साइकिल में रहना चाहता है. एक्चुअली ये होनी चाहिए सही लॉजिक स्टॉप लॉस ढूंढने का. यानी स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, आप ये कन्विंस्ड है कि स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन लगाएं कहां? आपकी बाय प्राइसेस स्टॉप लॉस जितना नीचे है, 5% नीचे है, 2% नीचे है, 10% नीचे है, वहां आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए. ये होनी चाहिए सही कैलकुलेशन. बिल्कुल. अब ये स्टॉप सपोर्ट जैसे कि हमने अभी जस्ट इसको डिस्कस किया, जाहिर सी बात है व्यूवर्स को अब ये भी दिमाग में आएगा कि ये कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट स्टॉक का यहाँ है और ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉक का रेजिस्टेंस का है. इसे भी समझेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाएगा, आप बने रहे हमारे साथ. और एक बार फिर से व्यूवर्स को याद दिला दें कि अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तरीका बेहद आसान है. bazaarshastra@znetwork.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी विद योर कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स. जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र. सुनील, अभी आपने एक बात कही कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमने कहा कि भाव को डिसाइड करने दीजिए, प्राइस को डिसाइड करने दीजिए कि उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ है. और ठीक है, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टॉप सपोर्ट, लेकिन प्राइस को कैसे पता कि ये मेरा सपोर्ट है और मुझे यहाँ रुक जाना है? प्राइस को मालूम होता है उसका सपोर्ट है, उसी ने तो बनाया है. आपने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, उसको मालूम है उसका सपोर्ट कहाँ है. वो जब चलता है, देखिए इंटेंशनली वो सपोर्ट बनाता हुआ नहीं चलता. कोई भी प्राइस कहीं पे भी जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस आपको मालूम है. चलते हुए वो कई जगह पे रुकता है, वो रुकने का एरिया ऑटोमेटिकली उसकी सपोर्ट बन जाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वैष्णो देवी का हमने एक बार पहले भी बात किया है, आप पहाड़ पे जा रहे हैं, आप पहले से सोच के निकलते हैं कि मैं इस चाय की दुकान पे रुकूंगा, यहाँ रुकूंगा. नहीं ना, नहीं, आप अनइंटेंशनली रुक जाते हैं वहां. मुझे जब जब जरूरत लगेगी पानी पीने की, मैं पानी पियेंगे. आप हर जगह रुकते हैं, कहीं पे 2 मिनट रुकते हैं, कहीं 5 मिनट रुकते हैं, कहीं आधा घंटा रुकते हैं, कहीं 1 घंटा रुकते हैं खाना खाने के लिए, कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं, कहीं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, कहीं सिर्फ पानी पीने के लिए रुकते हैं, या फिर कहीं सिर्फ ऐसी रेस्ट के लिए रुकते हैं. रेस्ट के लिए रुकते हैं. तो स्टॉक भी ऐसे बिहेव करता है, वो चलता है थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता है थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता है ज्यादा रुकता है, फिर चलता है और ज्यादा रुकता है. तो ऐसे ही वो सपोर्ट की ऑटोमेटिकली सपोर्ट बनती चली जाती है, एक एरिया उसका ऐसा बन जाता है रेजिस्टेंस. ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस बनती है उसकी कि हाँ इस एरिया में पहुंचा, इसके ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ी देर रुका, फिर चला, फिर रुका, फिर चला. अब वापस जब वो आएगा तो वही एरिया उसका काम करेगा. ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस मिल रही है उसको, उसको सपोर्ट उसी एरिया में मिलेगी. अब ये सबसे बड़ी दुविधा है आम आदमी के दिमाग में कि सपोर्ट डिसाइड कहां से होती है, वो स्टॉक ने खुद ही बताया है अपना. दिस एग्जांपल वाज सो नाइस इन कनेक्टिंग. ये जो वैष्णो देवी का आपने एग्जांपल दिया, यानी हर बार
हर बार जब भी ऊपर चढ़ते समय, चढ़ाई चढ़ते समय, जब जब रेजिस्टेंस लगी आप रुक गए, रुक गए। टेक्निकल टर्म्स में, मार्केट के टर्म्स में रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हम थक गए हैं, हम थक गए। नॉर्मल लैंग्वेज में स्टॉक भी थक जाता है एक्चुअली, स्टॉक भी थकता है तभी रुकता है ना वो, राइट। स्टॉक भी थक जाता है, इतना चलेगा एनर्जी उसका लगेगा वो रुकता है तो, क्योंकि वो थक गया। ओवरबॉट बोलते हैं हम, ओवरबॉट क्या होता है, थक गया स्टॉक, रुक गया है, दोबारा से एनर्जी गेन कर रहा है फिर चलेगा। वापस में जब आते हैं आप ध्यान दीजिए, वैष्णो देवी से जब भी उतरते हैं आपके स्टॉपेज कम होते हैं, राइट। स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है, स्टॉपेज कम लेता है, यानी नीचे धड़ाम से नीचे जल्दी से आता है, स्टॉपेज कम लेता है, लेकिन आपने ऊपर जाते हुए जो सबसे बड़ा वाला स्टॉपेज लिया था वो जरूर लेता है। आप भी वही लेते हैं जहां आपने खाना खाया था। आप याद कीजिए, आप कभी भी गए होंगे, आपने जहां खाना खाया वापस में उतरते हुए खाना वहीं खाया होगा, क्योंकि वो कंफर्ट एरिया है आपका, जानी पहचानी सी जगह है, खाना टेस्ट किया हुआ है, पहले खाया हुआ है यहाँ, अच्छा था, वापस में उतर रहे हैं यहीं खाएंगे, राइट। राइट, स्टॉक भी ऐसा ही होता है, जब वो उतरता है तो वो जहां पे बहुत ज्यादा समय उसने बिताया है ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए भी उसी एरिया में समय ज्यादा बिताएगा। मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब ये वाला एरिया इसकी एक जो है इस एरिए के ऊपर नहीं जा पाया ये स्टॉक, मैं आपको दिखाता हूं। आप हमें कोई स्टॉक स्पेसिफिक समझा रहे हैं? ये श्री सीमेंट है, ठीक है। ये स्टॉक यहां से आया ऊपर जाने लगा, यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस मिला, यानी कि ये रेस्ट एरिया है। बीच बीच में भी काफी जगह रुका, जैसे हमने बोला छोटे स्टॉपेज, ये बड़ा स्टॉपेज है, बड़े स्टॉपेज पे रुका, वहां से करेक्शन लिया इसने, एक जो नॉर्मल करेक्शन होता है, उसके बाद ये इस एरिया को इसने पार किया, इस एरिया को पार करने का इसने दोबारा यहाँ पे एक एरिया में रेस्ट किया। लेकिन आप देखेंगे ये मैंने लाइन लगाया है, ये इस एरिया के नीचे नहीं आया, राइट, नहीं आया नीचे, राइट। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, ये एरिया इसकी सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। अब देखिए, अब इसकी रेजिस्टेंस बना हुआ था ये वाला एरिया, मैंने एक लाइन नोट लगा दिया यहाँ पे, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस था, इसको इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब ये इसके पार निकल गया, उसके बाद वापस करेक्ट किया, तो कहां से नीचे नहीं गिरा ये? उसी सपोर्ट से, राइट। वो एरिया जो इसका रेजिस्टेंस का एरिया था वो उसकी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि जब वापस उतरेगा तो उस जगह उसे रुकना पड़ेगा। और उसके बाद एक ये बहुत बड़ा एरिया था, ये करीबन 2400-2500 की रेंज से 1600-1700 की जोन में ये इस स्टॉक ने, श्री सीमेंट ने करीबन एक साल बिताया जी। ये कंसोलिडेशन का फेज, ये कंसोलिडेशन का फेज है। अब एक रूल यहां आपको और बताता हूं मैं, अगर आप जहां पे बहुत ज्यादा समय रुक जाते हैं उसको टॉप नहीं मान लेना चाहिए, जब तक कि रिवर्सल के साइन ना आ जाएं। कई बार क्या होता है, स्टॉक बहुत ज्यादा टाइम रुक जाता है, लोग कहते हैं आप तो ठीक है, बहुत ऊपर चला गया नीचे गिरेगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको वैष्णो देवी आप जा रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि आपके सामने आप जहां आपने जाना है वो ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, आप वहां पे 1 घंटे का स्टे लेंगे? बिल्कुल नहीं लूंगी, मैं वहां लेना चाहूंगी जहां मेरा भी रास्ता और है, शायद मिडवे में ले लेंगे। मिडवे में लेंगे आप, यानी कि अगर स्टॉक बहुत ज्यादा रुक रहा है और रिवर्सल के साइन नहीं दे रहा है, इट मींस मंजिल बहुत दूर है, बहुत दूर मंजिल है। ये देखिए आप, ये यहाँ 1600 की जोन से आज इसका 4200 का रेट है स्टॉक का, यानी कंसोलिडेशन के फेज में आप थक कर परेशान मत हो जाइए। हाँ, आप वेट कीजिए कि वो अपनी चाल बदलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ज्यादा थमे आप वहां रुकते हैं जहां से आपकी मंजिल दूर होती है, आपको मालूम है। और एक बात और, जहां पर आपको अगर आपको पता चल जाता है हाँ 5 मिनट रह गए मुझे पहुंचने में, या 2 किलोमीटर रह गए, 1 किलोमीटर रह गए, बहुत पास हूं, मुझे दिख गई सामने मेरी मंजिल दिख गई, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल, यानी कंसोलिडेशन का फेज ओवर करते ही वो तेजी पकड़ता है, तेजी और पकड़ता है। जाता है स्टॉक के अंदर टॉपिंग आउट के साइन हमें उस समय मिलते हैं जब वो तेजी पकड़ लेता है। वंडरफुल, जब वो तेजी पकड़ लेता है तो वो टॉपिंग आउट होने वाला है, क्योंकि उसकी मंजिल उसे दिख चुकी है। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जो आराम से चल रहा था, बिल्कुल आराम से चल रहा था, लेकिन अचानक भागना शुरू हो गया, आप समझ लीजिए अब उसने ज्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि उसको दिख चुका है जहां उसने जाना था वो पास ही है। वाओ, वंडरफुल एग्जांपल। इनफैक्ट वैष्णो देवी के इस रियल टाइम एग्जांपल से जिस तरह से कंपेयर किया, स्टॉक मार्केट में प्राइस भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। और बहुत आई एम सो श्योर कि हमारे व्यूवर्स को अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये जरूर समझ आ गया होगा। इसी तरह के मजेदार कॉन्सेप्ट और भी लेकर आते रहेंगे। इनफैक्ट आपके इन बेसिक कॉन्सेप्ट का ही हल ढूंढने की इस कोशिश में बाजार शास्त्र जैसे शो की हमने शुरुआत किया है, लगातार आपके रिस्पांस मिलते रहे, यही हमारी कोशिश है। बाजार शास्त्र @znetwork.com पर अपनी क्वेरी, अपने सजेशन जरूर ईमेल करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हम जब प्राइस को फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली उस स्मार्ट इन्वेस्टर को फॉलो कर रहे हैं जो हमसे पहले एक्शन करेगा। यानी पहला सवाल हमारा ये क्लियर हुआ कि ऑपरेटर क्या होता है, कौन होता है ऑपरेटर। दूसरा, उसको फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन पता कैसे चला जाए कि ऑपरेटर यहाँ काम कर रहा है।